किस प्रकार का भोजन आपके अंदर जा रहा है, आपका अपना मनोवैज्ञानिक पैटर्न, बस एक विचार भी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में उतार चढ़ाव ले आएगा। अपनी ग्रंथियों के काम को संभालने के लिए आपको गोलियां लेनी होती हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप एक गोली खाकर इसे संतुलन में ला सकें। ग्रंथियों के कार्य बदल जाएंगे, आप देखेंगे कि जीवन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर घटित होगा। नमस्कार, हम सद्गुरु। आजकल बहुत से लोग थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं। आमतौर पर दवाएं स्थिति को नहीं पलट सकती। क्या थायराइड रोग को ठीक करने का कोई दूसरा तरीका है? हमें इसे समझना चाहिए। जिसे आप थायराइड कह रहे हैं, योग में हम ग्रंथियों को उस तरह से नहीं देखते, लेकिन मेडिकल की दृष्टि से जिसे आप थायराइड कह रहे हैं, वो आपके भीतर का ऐसा स्त्राव है जो आपके सिस्टम को फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा है। हर रोज वो ये तय कर रहा है कि कितना पाचन होना चाहिए, कितनी ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, कितना वसा पैदा होना चाहिए, कितनी मांसपेशियां बननी चाहिए, सब कुछ। ये आपकी शारीरिक संरचना को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है। आपकी शारीरिक संरचना का आपकी मनोवैज्ञानिक संरचना से बहुत गहरा संबंध है। आज आपको ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि अगर आप यहां बैठकर पहाड़ के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ग्रंथियां एक खास तरीके से काम करेंगी। अगर आप शेर के बारे में सोचेंगे, तो ये दूसरे तरीके से काम करेंगी। आप एक महासागर के बारे में सोचते हैं, ये एक और तरीके से होगा। आप किसी आदमी औरत के बारे में सोचें, ये अलग तरीके से होगा। बस एक विचार और कुछ नहीं। पहाड़ से कोई संपर्क नहीं है, शेर से कोई संपर्क नहीं है, आदमी औरत या समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। बस एक विचार से ही ग्रंथि के काम में उतार चढ़ाव आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूं कि सिस्टम कितना अच्छा है। ये आपको अच्छी हालत में रखने के लिए हर चीज को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ समस्या ये है कि आपको एक बैलगाड़ी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आपको एक बढ़िया अंतरिक्ष यान दे दिया। हर छोटी चीज तमाम चीजें करेगी। बस अगर आप इसे छूते हैं तो वो कई चीजों की तरंगें उठ जाएंगी इस सिस्टम में। अगर आप बस इस तरह देखें और पेड़ के बारे में एक निष्कर्ष निकालें, तो ये कई प्रकार के रासायनिक और दूसरे किस्म के बदलाव ले आएगा। ग्रंथियों के काम बदल जाएंगे। तो मान लीजिए कि आप 10,000 साल पहले के दक्षिण भारत में हैं। ये पूरी तरह जंगल है। अगर आप इस जंगल में घूमते हैं, एक दिन आपको जरूर घूमना चाहिए। अगर आप जंगल में घूमते हैं, तो बस देखिए, जंगल में बस 2 घंटे घूमिए और पूरे सिस्टम को देखिए। कहीं ना कहीं जीवन उल्लासमय महसूस कर रहा है। आपके जाने बिना ये जीवन अचानक अपने आवास में महसूस कर रहा है, अपने प्राकृतिक आवास में, जहां इसे चलाने में हर चीज सहायक है। लेकिन आज आप जरा हालात पर नजर डालें। आप कहीं भी हों, चाहे आप मुंबई में हों या न्यूयॉर्क में या लंदन में, कहीं भी हों, उस स्थिति को देखें जिसमें आप घूम रहे हैं। हो सकता है कि सामाजिक रूप से आप उन चीजों के आदि हो गए हों, लेकिन जिस तरह के माहौल में आप घूम रहे हैं, जितनी चीजें हो रही हैं, उनमें से कोई भी इस जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि आप इसमें एडजस्ट हो गए हों। शायद अब आप उन शहरों से बाहर नहीं रह सकते, ये अलग बात है। लेकिन जो जीवन आप हैं, वो उस तरह के माहौल की तलाश में नहीं है। तो आपके अंदर जो कोई बदलाव हो रहे हैं, वो आपके अनुकूल नहीं है। ग्रंथि का ठीक से काम न करना बस एक नतीजा है। काम का एक बहुत ही उन्नत तरीका ग्रंथियों के काम का, उनमें से एक थायराइड का है। इसे आसानी से परखा जा सकता है। पहली चीज, आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पैरामीटर थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिस्टर्बेंस है। और एक दूसरा आयाम उस उथल पुथल का है जो आपके अंदर हो रही है, आपके अपने मनोवैज्ञानिक ढर्रे। डिस्टर्बेंस का एक और आयाम यह है कि आपके अंदर किस तरह का भोजन जा रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप आज कोई ऐसी चीज खाएं जो केमिकल से दूषित ना हो। अगर आप जैविक खाना भी खा रहे हैं, तो उसमें भी वो थोड़ा जैविक केमिकल मिला रहे हैं।
ऐसी स्थिति आ गई है। ऐसी चीज खाना बहुत ही मुश्किल है जो जंगल में पैदा की गई हो, जिसे आप जंगल से तोड़कर खा सकें, वो बहुत ही कम बची हैं, और कुछ लोगों के लिए भी उसे पा सकना बहुत मुश्किल है। अब ये पूरा बाजार से आता है, और जो चीजें बाजार में जाती हैं वो सब मात्रा के बारे में होता है, न कि गुणवत्ता के बारे में। मेरी दादी हर दिन सब्जी वाला, पता है, वो टोकरी लेकर घर आया करते थे, बस तभी सुबह सुबह उन्होंने तोड़ी होती थी, और वो 7:30-8 बजे दरवाजे पर होते थे। जब वो आते और दादी उन्हें देखती थी, जब उन्हें खरीदना होता था तो वो सब्जी वाले को सब्जियां छूने नहीं देती थी। वो ही तोड़कर लाए हैं, वो ताजी हैं, बस अभी अभी पौधों से आई हैं, लेकिन अगर उसे तराजू में रखना है या अगर दादी को उन्हें चुनना है 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो वो सब्जी वाले को छूने नहीं देती थी। तुम मेरी सब्जियों को मत छुओ, ऐसा बैक्टीरिया को दूर रखने के लिए नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि जिन सब्जियों को उनके बच्चे या नाती पोते खाएंगे उन्हें वो सब्जी वाला या सब्जी वाली छुए। वो उन्हें खास तरीके से छूती थी, वो उन्हें सहलाती थी, वो उन्हें दुलारती थी, वो उन्हें इस तरह ऐसे देखती थी, और तब वो उन्हें काटती थी और पकाती थी। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। अगर ये सब चीजें आपके जीवन से जा चुकी हैं तो आपको अपनी ग्रंथियों के काम को संभालने के लिए गोली लेनी होगी, और गोली खाकर भी आपके संतुलन में आने का कोई तरीका नहीं है। आप उसे बस दबा सकते हैं, आप सही संतुलन में नहीं आ सकते। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन ही अलग होता है, हर पल ही अलग होता है। यही फाइन ट्यूनिंग है, एक बहुत सक्रिय फाइन ट्यूनिंग चल रही है। आप उसे खत्म कर देते हैं और बस एक गोली लेकर किसी तरह काम चलाते हैं। आप थोड़ी बिगड़ी हुई मशीन होंगे, इस गड़बड़ी के साथ ये मशीन तमाम तरीकों से गड़बड़ी जाहिर करेगी, और आपको पता सिर्फ तभी चलेगा जब आप उसे एक सीमा तक ले जाएंगे। जब आप छोटी मोटी चीजों के साथ जीते हैं तो वो जाहिर नहीं होगा। ये ऐसा है, देखिए, अगर आपके टायर में हवा नहीं है तो भी आप 20 किलोमीटर की स्पीड से घर जा सकते हैं, पता है। कुछ चीजें चटक जाएंगी, कुछ चीजें फट जाएंगी, लेकिन फिर भी आप चला सकते हैं। सिर्फ तभी जब आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हैं और टायर फट जाए, तब आप जानते हैं कि आप सड़क से उड़ जाएंगे। तो बस यही बात है, अगर इन सब चीजों को ठीक से संभाला जाए और तब आप अपने जीवन को एक उच्च स्तर की तीव्रता पर ले जाएं, तो वो चलता रहेगा। अगर आप अपना जीवन बिना उस संतुलन को लाए तीव्र बनाते हैं, तब आप देखेंगे वो आपा खोएगा। अपने आसपास ऐसा होते हुए आप हर दिन देखते हैं, तो अपने जीवन में उतना निवेश करना। वैसे आप अपना शहर छोड़कर जंगल में जाकर नहीं रह सकते, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। ओके, ठीक है, आप उस माहौल को छोड़कर नहीं जा सकते। कम से कम खुद को तैयार तो कर लें ताकि उन चीजों का आप पर ज्यादा असर ना हो। उसका असर वैसे भी होगा, लेकिन कितना, ये सवाल है, कितना असर। कम से कम अपने घर में आप खुद के चारों ओर कुछ पौधे रखें, अगर जगह नहीं है अपने कमरे को भरें, ये कुछ सन की बेडरूम बनाने जैसा है। छत को आधी खोल दें, ओ, लेकिन ऊपर एक और मंजिल है सदगुरु। ठीक है, कमबख्त दीवारों को खोल दें ताकि अंदर थोड़ी धूप आ सके। हाँ, ये नहीं कि हर चीज बंद है और बस एक एयर कंडीशनर हर समय बर्र चल रहा है। ये एक चीज है, आपके चारों ओर मौजूद ये गूंज इस शरीर को पूरी तरह से बेचैन कर रही है पूरे समय, खासकर जब मैं देश से बाहर होता हूं, खासकर अमेरिका में। यूरोप में भी ये थोड़ा बेहतर है, अमेरिका में तो हर समय कोई ना कोई चीज लगातार थरथराती रहती है। ज्यादातर लोग इसे लेकर सचेतन नहीं हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ हो रहा है। उनका एक दिन में 8 घंटे सोना ही बस इसलिए है कि वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं रह रहे हैं, वो सोकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुद को बचाने की कोशिश मरना चुनने जैसा है, तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक बीमारी से बचाने के लिए, खुद को हर किस्म के असंतुलन से बचाने के लिए आप सोते रहते हैं दिन में 8-10 घंटे। यह आपके जीवन का आधा है, आप मरे हुए हैं। मृत्यु हमेशा एक अच्छा समाधान है।
लेकिन हम उस समाधान की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में समाधान खोज रहे हैं, न कि उसे खत्म करके। अगर आप कोई चीज खत्म कर दें वो ठीक हो जाती है ना? हो जाएगी ना? होगी, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम चाहते हैं। हम यहां जिंदा और पूरी तरह ठीक रहना चाहते हैं। जब आप चलते हैं तो आपको हमेशा मानव जीवन के अलावा दूसरे जीवन के बारे में सचेतन होना चाहिए। ज्यादातर लोग इंसानों के प्रति भी सचेतन नहीं होते, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हर चीज जो जिंदा है उसके प्रति आपको सचेतन होना चाहिए। एक पेड़, एक पौधा, घास का तिनका, कूदता हुआ टिड्डा, और आपके पास से गुजरते वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते। All kinds of things. You must be alive to everything. Something as simple as being alive to everything around you, indiscriminately. हर किस्म की चीजें। आपको हर चीज के प्रति जीवंत होना चाहिए। अपने आसपास की हर चीज के प्रति बिना भेदभाव के जीवंत होने जैसी आसान चीज आपकी थायराइड समस्या को ठीक कर सकती है। यकीनन, सुबह का हठ योग है, क्रियाएं हैं, ये सारी चीजें निश्चित रूप से मदद करेंगी। शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान, कई चीजें हैं। एक मुख्य कारण ये है कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इंसान कम सक्रिय होते जा रहे हैं। एक दिन में औसतन एक इंसान जितनी शारीरिक गतिविधियां वो पहले किया करते थे लोगों की पिछली पीढ़ियां, और उसकी तुलना में अभी हम जितना शारीरिक काम कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। गतिविधि के इतने निम्न स्तर पर सिस्टम में संतुलन बनाए रखना मुश्किल है। तो थोड़ा असंतुलन हो तो बिस्तर पर सोने मत चले जाइए। अगर आप थोड़ा असंतुलन महसूस करते हैं तो आपको काम में कूद पड़ना चाहिए। जहां भी उत्साह और आनंद में कोई काम हो रहा हो आपको उस काम में कूद जाना चाहिए। और अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो आपको उसे और ज्यादा करना चाहिए। वाकई, क्योंकि जिस पल आप उल्टा जाते हैं आप उसे सशक्त बना रहे हैं। वैसे अगर आप बहुत बीमार हैं वो अलग बात है, नहीं तो आपको, चूंकि हम यहां कई तरह के ग्रंथियों के विकारों की बात कर रहे हैं, तो काम में लगना एक सरल समाधान है इन समस्याओं का। और आप काम को, आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप काम को, आपकी कलाई पर वो हेल्थ बैंड है, 10 steps 12 steps, 10 कदम 12 कदम, ऐसा मत कीजिए। काम करने का वो तरीका नहीं है। वैसा करने से आप ज्यादा बीमार हो जाएंगे। बस खुशी खुशी कुछ करना, प्रसन्नता पूर्वक जीवंत होना गतिविधि है। अगर आप नहीं जानते कि यहां बैठे हुए कैसे उल्लासपूर्ण रूप से जीवंत हो तो जाकर बस खेलिए, कोई खेल खेलिए, यूं ही चारों ओर दौड़िए, चलते हुए यूं ही टिड्डे की नकल कीजिए, कोशिश कीजिए। क्यों नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं किया? आपके साथ यही समस्या है। अब जब आप जाएंगे तो मैं आपको देखना चाहता हूं, क्योंकि आप घास पर चलने वाले हैं, बेहतर होगा कि आप एक टिड्डे की तरह उचकें। चुक, 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 चुक। आप देखेंगे कि आप में कितनी जीवंतता आ जाएगी। असल में आपकी बुनियादी समस्या यह है कि आप अपने जीवन के बारे में बड़े गंभीर हो गए हैं। तो हमें आपको फिर याद दिलाना होगा, आप वैसे भी मरेंगे, इस बारे में बहुत गंभीर मत होइए, क्योंकि ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको पकड़ ढीली करनी होगी। अभी अगर आप पकड़ ढीली करते हैं तो आखिरी दृश्य अलग होगा, वरना लोग आपको ऐसे देखेंगे। यह आपके साथ बहुत बढ़िया चीज हुई, आपने पकड़ ढीली कर दी। अगर आप अभी से पकड़ ढीली कर दें तो आप देखेंगे कि जीवन बड़े ही अद्भुत ढंग से घटित होगा।